और डाल सकते हो, गर्म है तो गर्म में ही डालना। तो मैं ये सिंपल रखूँ क्योंकि नमक इसमें ऑलरेडी। और ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखो कितनी, ये देखो कितनी क्रिस्पी बनी है ये। हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और टाइम हो गया है 8:05, और मैं यहाँ पे चाय बना लाई हूँ और साथ में काटूँगी सब्जी और उसके साथ साथ देखूँगी थोड़ा सा टीवी। तो ऐसा कुछ है, और लाइट गए हुए तकरीबन 3 घंटे के आसपास हो गए हैं। लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं आया। और काम मेरा क्या हुआ है, पूरे घर में, मतलब आधे घर में झाड़ू पोछा हो गया, आधे घर में झाड़ू हुआ है और कुछ प्लांट्स में पानी दिया है, और तैलन साहब जो हैं वो सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब का ही करना है। तो ऐसा है, देखो उधर से रिफ्लेक्शन आ रहा होगा तो मैं दिख नहीं रही होंगी, पता नहीं। तो अभी चाय पीते पीते सब्जी काटूँगी और फिर सब्जी छोक दूँगी, और अब इसके बाद एक जो डेली व्लॉग जाता है उसकी वीडियो अपलोड करनी है। तो आपकी गुड मॉर्निंग हुई या नहीं हुई? हाँ, 1 घंटे से ज़्यादा मैं घूम के आई हूँ स्पीड से, तो ऐसा कुछ है। तो बाकी अभी जो गर्दन वाली एक्सरसाइज करनी थी वो तो करी नहीं है अभी। तो अभी पी लेते हैं अपनी चाय, और आप लोगों को पीनी है तो आ जाओ, घी डाल रखा है। तो काट लेती हूँ सब्जी भी। जो चिप्स है ना सूख गए थे ना, वो मैं तल के दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना चिमनी चल रही है इसलिए मेरी आवाज़ कम आएगी। तो ये मैंने कुछ तल लिए हैं, और अब ये देखो इसमें जो ऑयल है वो मस्टर्ड ऑयल है, और बेसिकली मैंने सब्ज़ी बना रही थी। फिर मैंने सोचा थोड़े से ये तल के आप लोगों को दिखा दूँ, और तल अंसा भी उठ गए हैं तो उनके लिए चाय भी बना दूँगी। ये देखो बहुत जल्दी ये बन जाते हैं, तो थोड़े से और मैं तल लेती हूँ। अब ये देखो ये सारे तल गए, और अब इन पे ना कोई भी आप मसाला बना के और वो डाल सकते हो, गर्म है तो गर्म में ही डालना। तो मैं ये सिंपल रखूँ क्योंकि नमक इसमें ऑलरेडी डला हुआ है। तो अभी बनाती हूँ, ये मैदा है और इसमें गाय का घी है। आप इसको किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हो, बाकी आप कोई रिफाइंड ऐसा ना लो। ऑर्गेनिक अगर आपको ऑयल मिल जाता है तो आप ऑर्गेनिक ऑयल का यूज़ कर सकते हो। सरसों का तेल ले सकते हो, पीली सरसों का तेल ले सकते हो, वो ज़्यादा हेल्दी होता है। सोयाबीन का ऑर्गेनिक अगर मिल जाए तो आप वो ले सकते हो। तो ये मेरे पास ऑर्गेनिक गाय का घी है, और इसमें है बेकिंग पाउडर, और इसमें सेंधा नमक है, और ये है अजवाइन, और इसमें है काली मिर्च। काली मिर्च को कूट के तब डालूंगी। और ये मैदा, इसमें मोयन डालूंगी और पानी डाल के एक जो है स्मूथ सा डो बनाऊंगी इसका। तो बेसिकली इसको आप नमक पारे बोल सकते हो, मठरी बोल सकते हो, मटर बोल सकते हो, या आप एक स्नैक्स बोल सकते हो। तो वैसे तो देखो होली आ रही है तो होली पे ये चीज़ें बनती हैं, लेकिन मेरे यहाँ बच्चे यहाँ है नहीं तो हम मियाँ बीबी जो है वो थोड़ा सा ये चीज़ें कम खाते हैं। तो बेसिकली बेटी के पास जाना है तो उसके लिए मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो चलिए इसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और नमक पारे की कई रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले भी डाल रखी है तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। तो ये जो घी है ये गर्म हो गया है, तो गैस को कर देंगे मंदी। मोयन के लिए ये गर्म किया है, और जब तक मैं आटा लगाऊंगी तब तक ये और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये जो काली मिर्च हैं इनको मैं दरदरा कूट लेती हूँ। बेसिकली बेटी को ना काली मिर्च ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं काली मिर्च ऐड करूँगी इसमें, अदरवाइज मुझे अगर खाने होते तो मैं काली मिर्च नहीं डालती। तो ऐसा कुछ है। तो इसमें डाल देते हैं मोयन के लिए घी,
और घी में जो ना ये बहुत ही अच्छी खस्ता बनेगी। और कितना घी डालना है मैं आगे चल के मैं बताऊंगी आप लोगों को, इसमें कितना घी ऐड करना है। और ये सेंधा नमक, और सेंधे नमक में ना ऐसे डलिया बन जाती, उसको तोड़ के लेना है। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हो। आप इसमें जीरा भी ऐड कर सकते हो और कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो। बेसिकली कसूरी मेथी बेटी को चाहिए नहीं तो वो मैं इसलिए नहीं डालूंगी इसमें। और इसमें डाल देते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर। और मिर्च को, काली मिर्च इनको दरदरा कूट लेती हूँ मैं। ये देखो, और साथ साथ ये समेट देती हूँ ताकि किचन जो है फैले ना। और इसको भी ऊपर रख देते हैं। ये हो गया, अब इसमें डाल देते हैं पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है। जब आप मोयन डालो ना तो ऐसे लड्डू बन जाए ना, उतना आपने मोयन डालना है। तो इसका मैं एक डो बना लेती हूँ। अब ये देखो, ये ऐसे स्मूथ डो बन जाना चाहिए। अब इसको आप किसी भी शेप में बना सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। और इसको थोड़ा सा अच्छा सा मत लेंगे, एक स्मूथ डो बन जाए ऐसा। और छोटी छोटी लोइयां ऐसे बना के ऐसे, ते घी जो है वो ज्यादा गर्म होगा तो गैस कर देगी बंद थोड़ी सी देर के लिए। ऐसे बना के और इसको हथेलियों के बीच में ऐसे दबा देना है, बस ये चीज। तो इनको मैं बना लेती हूँ, ये देखो ऐसे, बस ये ऐसे लोई बनाई और ये चीज इसे ऐसे दबा दिया ऐसे। ये देखो ऐसे, ये देखो अब इसमें डाल देते हैं। और जो घी है वो बिल्कुल स्लो में होना चाहिए, तेज आंच में नहीं होना चाहिए। और अब ऑन कर देंगे गैस, और बिल्कुल सिम पे रखनी है। और जैसे ये फूलेंगे ना अपने आप ऊपर आ जाएंगे। अब ये देखो, ये थोड़ी सी ऊपर आ गई है। अब इनको हल्के से उठा के और इनको पलट देंगे। ये देखो, तो ये इतनी इजी है बनानी कि आप ये बनाते बनाते अपना कोई और भी काम आप कर सकते हो। तो इनका कलर चेंज हो जाए ना, यानी ये गोल्डन कलर के हो जाए ना, तब तक हमने इनको जो है सिम आंच पे ही
तलना है। देखो तेज़ आंच करोगे ना ऊपर से तो कलर आ जाएगा, ये बन जाएंगी, लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी, इसलिए ये थोड़े सी पेशेंस के साथ है ना इसको बनाना, तो ये इसका कलर चेंज हो जाता है। और मैं फिर दिखाती हूँ आपको, और अब ये देखो इनका कलर चेंज हो गया। अब इनको निकाल लेते हैं और दूसरी डाल देते हैं। गैस बिल्कुल सिम पे ही है। और अगर ज़्यादा लगे कि भी ज़्यादा घी गर्म हो गया है तो बीच में गैस को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन इसको पकाना सिम पे ही है। अब ये देखो ये लास्ट की थी तो ये भी होगी है, और इन सबको मैं निकाल लेती हूँ। अब ये तो होगी फाइनल। और अगर आप ये इनको ना चटपटा बनाना चाह रहे हो ना, तो इस पे यहीं पे लाल मिर्च तीखे वाली और काला नमक और चाट मसाला वो स्प्रिंकल कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे सिंपल रखूँगी। अच्छा यहाँ पे मैं खोया निकाल रही हूँ, जो इंस्टेंट खोया निकलता है ना वो दूध में मिल्क पाउडर डाल के और तब खोया निकालते हैं, तो गुजिया बनाऊँगी मैं कल, तो वो भी मैं दिखाऊँगी आप लोगों के साथ, शेयर करूँगी उसकी भी रेसिपी। तो यहाँ पर ये खोया निकाल रही हूँ मैं, और अब ये देखो ये सब बन चुकी हैं, और ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो कितनी, ये देखो कितनी क्रिस्पी बनी है ये, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये। और अभी थोड़ी थोड़ी सी ये गर्म है और थोड़ी ठंडी हो जाएंगी ना और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी, फिर इसको एयर टाइट डब्बे में डाल के रख दूँगी। और बेसिकली ये मैंने गुड्डी के लिए बनाई है, तो और यहाँ पर जो है देसी घी इसमें है, तो कल मैं इसमें गुजिया बनाऊंगी, तो ये कढ़ाई में ही छोड़ दिया है और दूसरी कढ़ाई में खोया बना दिया है, तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ और एयर टाइट डब्बे में मैं सवेरे डालूँ। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय।